अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग अब स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है हमारा आज का, और ये सिर्फ मैं पहली बार ही कर रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वो चीज है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैं अपने बालों को आज कलर करने जा रही हूँ, और ये इस चीज के लिए मैंने अपने घर वालों को बहुत ज्यादा ही मुश्किल से मनाया है, क्योंकि वो मुझे मना कर रहे थे कि बाल खराब हो जाते हैं। तो बस अभी जल्दी से कलर करते हैं और दिखाती हूँ कौन कौन से कलर है और मैं कैसे मैंने सोचा है। मैंने जो सोचा है वो भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज है ना हमारे पास, पहले तो फर्स्ट कलर ये है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग मैंने जिस दिन में लेके आई थी, क्योंकि उसको लाए हुए मुझे 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, जो हम सबर करके बैठे हुए थे कि हाँ ठीक है कल करेंगे। तो उसका आज जाकर के फाइनली दिन आ चुका है। तो बस अब कलर करते हैं आज, ताकि मैंने ये अपनी जो है ना, जो मुझे एक्सपायर करनी है टी शर्ट, तो मैंने वही पहनी है, क्योंकि बालों में जब कलर लगाएंगे तो टी शर्ट तो ऑब्वियस है जो खराब होगी। तो उसकी वजह से तो ये है हमारा कलर। ये इसका कलर है, शेड है चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि मैंने नीचे से तो मतलब की लेंथ जो है ना मेरी यहाँ से, वो तो चॉकलेट ब्राउन है, मतलब ब्राउनिश कलर की है, लेकिन मैं मतलब ग्लोबर करना चाह रही हूँ ग्लोबर। तो बस अब ये वाला कलर लगाएंगे। और दूसरा सेकंड कलर है हमारे पास ये बरगंडी कलर, और ये मैंने सोचा है कि ना मैं इतनी मैक्सिमम इतनी लेंथ में ये लगाऊंगी। हाँ, ये खतरनाक होने वाला है। और अभी मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हेयर कलर एट होम करने वाले, मतलब कि घर पे करेंगे अभी, तो मैं अपने आप खुद कैसे लगाऊंगी मुझे खुद नहीं पता लग रहा है। और मुझे ये आज वाले बाल भी सेट कराने हैं। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको करते हैं अनबॉक्स, जो कि मैं पहले करके देख चुकी हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो आप लोगों को भी बता देते हैं इसके अंदर है क्या क्या। फर्स्ट हमने ये बॉक्स खोला है, बॉक्स कुछ इस तरीके का, मैं आपको बॉक्स भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग को सारा सामान दिखा दिया है, इसके अंदर हमें सबसे पहले मिलती है ये कलर क्रीम, देन में मिलता है ये डेवलपर, और हमें मिलता है ये दो सैशे हैं। एक है इसका मतलब कि जो हम कलर कर लेंगे उसके बाद में ये इससे कंडीशनर से सर धोना है, और इसके बाद ये कलर के 3 हफ्तों के बाद हमें इससे करना है, मतलब की ये हेयर मास्क है आफ्टर 3 वीक्स, मतलब कलर करे हुए जब 3 हफ्ते हो जाए तब ये लगाना है। और सच बात यह है, मैंने इस वजह से ये खरीदा है कलर, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ यूनिक था। और इसमें ये ग्लव्स है, और ये है सारे इंस्ट्रक्शन, और ये मम्मी पढ़ेंगी, ये लो। और अब जो है ना, इसको भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, मतलब कि इसको अनपैकिंग कर लेते हैं। बहुत बुरी लग रहा है, आधा पोरा ही तो कटवाने। बेइज्जती हो गई। जो है ना, मेरी मम्मी ने मेरे बाल काट दिए हैं ये वाले, और अब इनको तो सेट कर दिया। अब जल्दी से अपने बाल ये सुलझाते हैं इन्हें, और फिर इसका मिडल पार्टीशन करते हैं, और फिर उसके बाद कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है ना, अपने बाल तो मैंने सुलझा लिए हैं सारे, बाकी अभी मम्मी को आने में थोड़ा टाइम है, जब तक हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं हो रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर निकला है ये डेवलपर, और निकला है कि क्रीम है, और ये तो इंस्ट्रक्शन है भाई। ग्लव्स नहीं दिए इसके अंदर, गलत बात है। तो अब जो है ना, इसका कलर सारा इसके अंदर डालना पड़ेगा। मैंने इसको ना मिक्स कर लिया बहुत ज्यादा, और अब मुझे लग रहा है कि अब ये मिक्स हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर तो ना ब्राउन कलर दिख भी रहा है। सो पता है, अभी मेरी मम्मी ना मेरे कलर लगाने के लिए 2 घंटे के बाद रेडी हो रही है अब, कि वो अपने यूनिफॉर्म पहन रही हो आप। तो अब 2 घंटे के बाद हमारे कलर होने जा रहा है, मैं तब से यहाँ पे ऐसी बैठी हुई हूँ कि हाँ अभी मम्मी आएगी,
और मैंने इसको शेक वगैरह सब कलर करके, अब तो ये ऐसा लगने लग गया गंदा मिट्टी सी लग रही है अंदर डाली। ये कलर होने ब्रश भी तो जाएगा। लिया था। ब्रश भी है हमारे पास, अभी देखो हम आपको ब्रश भी देते हैं। टन ऐसे निकाली तो कोई बंदूक बंदूक निकाली है। थोड़ा सा इधर आओ ना, मुझे कैमरे में नहीं नजर आ रही हो तुम। ऊपर ऊपर आना पड़ेगा। हाँ ऊपर आओ, यही ठीक हूँ मैं। चार बज गए। ये वाले बालों को भी लेना पड़ेगा। सारे बालों में कर दो। तो अभी पता है मम्मी ने बालों में कलर तो कर दिया, ये जो अभी इतने ही रह गए ना जूड़ा बांधने के बाद, रहे तो कुछ नहीं गया रहे मतलब कि और ज्यादा तुम हाईलाइट कर लियो ना। हाँ से पहले ब्रश से लगाया था, अब हाथ से। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। और इतने बालों में हम करेंगे बरगंडी कलर। ये ना मम्मी ने अपनी पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारी मम्मी ने जूड़ा बांध दिया और जितने बालों में बरगंडी करना है वो उतने बाल ऐसे छोड़ दिए। ये इतनी लेंथ निकाल दी, इसमें दूसरा कलर होगा। मैं कलर करना नहीं चाहती थी, तेरी जिद की वजह से कर रही हूँ। तो वही तो होती है। कोई बात नहीं, जिद तो करनी पड़ती है, ऐसे कैसे पता चलेगा जिद्दी बच्चा है तुम्हारा। मैं कर रही हूँ वही बर्गंडी जो कलर में लेके आई थी नीचे लेंथ में लगाने के लिए, तो उसको हम अलग करेंगे। अभी मैंने क्रीम तो निकाल ली है, डेवलपर डालेंगे अब। स्मॉल लेंथ में लगेगा, हाँ वही छोटी सी नीचे। तो अपने हाथों से मिक्स मिक्स मिक्स। देसी तरीके से ही कर रहे हैं, देसी तरीके से लग रहा है कलर। वह तो सैलून में लगता। और क्या मिस हो गया। हो गया अभी ये मिक्स। और ये मिक्स हो के कलर पता है कैसा लगेगा? ऐसा आएगा क्योंकि मेरे हाथों में ना कलर लग चुका है। ना मैंने अपने बालों में सब में कलर लग चुका है, ये देखो जरा यहाँ से लेके पूरा। और लेंथ भी मम्मी ने अब जुगड़ा बांध दिया ताकि मेरी टी शर्ट खराब ना हो। मैंने तो ये सोचा था कि मैं ना अपनी टी शर्ट पूरी खराब करके फिर ना इसको मेरे को पहनना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मुझे ये पसंद नहीं आती है। लेकिन ये वाला प्लान मेरा सारा खत्म हो गया और आज ये मेरा 4-5 फुट का मत्था भी दिख रहा है पूरी क्लियरली। और ये देखो सारे बाल मम्मी ने जूड़ा बना दिया है। अब इसका आधा घंटा लिखा मतलब 30 मिनट लिखे हुए, उसमें वेट करना, फिर उसके बाद में हेयर वॉश करना है। तो हम 30 मिनट वेट करते हैं, फिर हेयर वॉश करके आप लोगों को रिजल्ट दिखलाएंगे इसका कि ये कैसा लग रहा है। बस अच्छा लगे तो सही है, क्योंकि मेरे ना हाथ ऐसे हुए हैं देखो, ये जो बरगंडी कलर था और से पहले जो है ना मैंने उसका भी कलर मिक्स किया था, तो ना पहले तो वो ब्राउन हुआ, फिर जब मैंने दूसरा कलर मिक्स किया बरगंडी वाला तो ये बरगंडी कलर की हो गई। बस इसका इंतजार है यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, बस हो जाए ना। मैंने अभी जस्ट हेयर वॉश किया है और अभी तो बाल ऐसे दिख रहे हैं, मतलब हल्का हल्का कलर हाँ दिख रहा है मतलब गीले बालों में भी, लेकिन ये जो नीचे की तरफ जो मैंने बरगंडी कलर लगाया था वो भी नजर नहीं आ रहा है। वो उसी की मुझे ज्यादा वो देखने को एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे कब वो वाला कलर कब दिखेगा। तो मैं अपने बाल गीले मतलब सूखने का इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से सूखे और मुझे कलर नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैंने सर धोया तो वो सारा ही निकल गया। हाँ ऐसे ही लग रहा है सही में कि वो बस देखने देखने के लिए लगाया था, वो जब मैंने सिर्फ हेयर वॉश किया तो वो निकल गया। उसके बाद में मैंने हेयर वॉश करा है उससे जो मेरे कलर के साथ में आफ्टर ट्रीटमेंट कंडीशनर था या शैम्पू था आई थिंक, मेरे को हाँ वो आफ्टर आफ्टर कलर ट्रीटमेंट था कुछ, वो मास्क था वो मैंने लगाया अपने बालों की लेंथ में, तो उससे थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं, शाइनी शाइनी से लग रहा है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, वो ब्राउन कलर तो अभी भी दिख रहा है देखो, वो मस्त लग रहा है। लेकिन मुझे वो वाइन कलर जो रेडिश सा ब्राइन वाइन सा कलर है ना वो देखना अपने बालों को, वो नहीं दिख रहा है अभी तक। मेरे बाल इतने तो सूख चुके और भाई इतना मस्त कलर लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा सर्च करके मतलब जो बेस्ट कलर था ना वही आया था, और
तो फिर मैंने वही सी से कलर किया, अच्छा लग रहा काफी ज्यादा, बढ़िया है। और बाकी अच्छे से रिजल्ट तो अब जब कल ही देख पाई थी, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है और मैं तो इंग्लिश क्लास जा रही हूँ। तो बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलते कल।